नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के अधीन पे यहाँ पे विज्ञापन निकाल दिए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के पदों पर यहाँ पे भर्ती की जानी है। अंतिम तिथि यहाँ पे 20 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो शॉर्टकट नेम है ECGCPO रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो वैकेंसी है ECGCPO रिक्वायरमेंट की जो भर्ती है, यहाँ पे प्रोबेशनरी आवेशर ऑफिसर की यहाँ पे भर्ती की जाएगी। यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेगा ECGPO रिक्वायरमेंट में जो देश है वो इंडिया का है, एवं संगठन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, संगठन द्वारा यहाँ पे भर्ती की जाएगी। पदों की संख्या यहाँ पे दोस्तों 75 रहने वाली है। पद का नाम प्रोबेशनरी ऑफिसर रहने वाली है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि यहाँ दोस्तों 20 मार्च रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 20 अप्रैल 2022 रहने वाली है, एंड परीक्षा तिथि 29 मई 2022 रहने वाली है। आधिकारिक जो वेबसाइट है दोस्तों, आप ECGC.in पे जाके क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ कैटेगरी की जो कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पदों की संख्या जो है, बैकलॉग पदों की यहाँ पे जो संख्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो EGC प्रोबेटरी ऑफिसर वैकेंसी डिटेल्स जो है, पदों की संख्या OBC में 13 है एंड बैकलॉग के लिए 0 है। EWS में 7 पदों पे भर्ती की जाएगी, बैकलॉग पे 0 0 पदों पे है। SC के लिए 11 पदों पे भर्ती की जाएगी दोस्तों, तो बैकलॉग के लिए 1 पदों पे भर्ती यहाँ पे की जानी है SC की। ST के लिए 9 पदों पे यहाँ पे भर्ती की जाएगी, यहाँ पे कोई पद नहीं है। तो दोस्तों कुल पद यहाँ पे 74 है एंड बैकलॉग को लेके 1 पद यहाँ पे है। वैकेंसी जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देनी है, जो जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट कर रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे ये आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एज सीमा, आयु सीमा जो है 21 से 30 वर्ष रहने वाली है। तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की जो तिथि है 21 मार्च 2022 होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2022 रहने वाली है। PET आयोजित किए जाने वाली तिथि जो है मई 2022 महीने के प्रथम द्वितीय सप्ताह में रहने वाली है। PET एडमिट कार्ड जो जारी होने वाले हैं, एडमिट कार्ड के लिए 25 अप्रैल 2022 को यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड यहाँ पे मई माह के प्रथम सप्ताह से लागू कर देंगे, जारी कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे परीक्षा की तिथि 29 मई 2022 रहने वाली है। परिणाम जारी होने का जो तिथि होगी 15 से 19 जून 2022 को रहने वाली है। इंटरव्यू की डेट यहाँ पे जुलाई अगस्त में रहने वाली है दोस्तों। तो आवेदन आपको किस तरीके से करना है यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट सबसे पहले ECGPO नोटिफिकेशन 2022 का अवलोकन जरूर करें। यहाँ नोटिफिकेशन की लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप यहाँ पे जाके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ID पासवर्ड लॉग इन करके आवेदन पत्र आप भर सकते हैं, लागू हो वहीं आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जो आपके पास हो। और कैंडिडेट्स आवेदन शुल्क का भुगतान करके यह फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमने दे रखी है। अप्लाई ऑनलाइन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे फॉर्म की लिंक खुल जाएगी। ECGC की जो वेबसाइट है, यहाँ पे जो फॉर्म ओपन हुए हैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड इसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर दो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना नाम, कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट करना है। आपके पास ईमेल आईडी में या SMS द्वारा
टेक्स्ट मैसेज द्वारा आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। वहाँ पे आप जाके लॉग इन करते हैं। फिर इसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर चढ़ाना होता है, अपलोड करना होता है, डिटेल्स आपको पूरी डालना होगा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के साथ। फिर यहाँ पे आप टू वी देख सकते हैं एंड अपलोड्स डॉक्यूमेंट्स करना है। फिर इसके बाद दोस्तों पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद आपको रिसिप्ट निकल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।